आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 9 साल बेमिसाल नारे के साथ जनसंपर्क अभियान में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 साल 9 सवाल विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने मोदी सरकार को कुल 9 मुद्दों पर घेरा है। आज देश की जनता के मन में असंख्य सवाल हैं सरकार को लेकर, लेकिन हम केवल 9 सवाल हमने पूछे। इन 9 सवालों का जवाब भाजपा दे, प्रधानमंत्री जी दें, हमारी ऐसी मांग। हमें लगता है कि इनका नारा ये होना चाहिए, 9 साल देश की जनता बदहाल, और कांग्रेस पूछे 9 सवाल। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी जहां पर 9 साल बेमिसाल मना रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने कई जगहों पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका विषय था 9 साल और 9 सवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए केंद्र सरकार से बाकायदा 9 सवाल पूछे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियाँ अब सक्रिय भूमिका निभा रही है, वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रही है। ऐसे में हर परिस्थिति को बेहतरीन तरीके से टैकल करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से कांग्रेस के इस वार का सामना करेगी, वो देखने वाले समय बताएगा। लेकिन अगर बात करें तो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और 80 सीटों वाले इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि किस प्रकार से सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर 2024 में भाजपा के खिलाफ एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करेंगी, ताकि सत्ता का परिवर्तन कर पाए। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं विवेक शाही, प्राइम टीवी लखनऊ। तो वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज सुल्तानपुर के जयसिंहपुर तहसील के बिरसिंहपुर पहुंचे, जहां बने 100 बेड वाले अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया, और उद्घाटन के बाद अनुसूचित जाति के बस्ती का भ्रमण कर लोगों से उनका हाल चाल भी जाना। उसके बाद जिला मुख्यालय बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। उसके बाद पुलिस लाइन सभागार में सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और साथ ही साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी करते हुए नजर आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। उत्तर प्रदेश पुलिस का अगला मुखिया कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। एक बार फिर इसकी चर्चाएं क्योंकि तेज हो चुकी हैं। इसके पीछे वजह यह है कि यूपी के कार्यवाहक डीजीपी आर के विश्वकर्मा 31 मई को रिटायर्ड हो रहे हैं। उसके बाद किसको यूपी पुलिस का अगला चार्ज दिया जाएगा, इस पर चर्चाएं तेज हैं। क्या सरकार इस बार स्थायी डीजीपी को तैनात करेगी, या तीसरी बार भी कार्यवाहक ही पुलिस का मुखिया बनेगा। जैसा कि आपको मालूम है, 11 मई 2022 को सरकार ने स्थायी डीजीपी मुकुल गोयल को अचानक उनके पद से हटा दिया था, जिसके बाद अभी तक देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस को उसका स्थायी डीजीपी नहीं मिल सका है। मुकुल गोयल के बाद सरकार ने डीजी इंटेलिजेंस डीएम चौहान को कार्यवाहक डीजीपी बनाया था, लेकिन उनका कार्यकाल समाप्त होते ही आर के विश्वकर्मा को यूपी का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया था। अब आर के विश्वकर्मा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर नए डीजीपी पद के लिए वरिष्ठ आईपीएस अफसरों की दावेदारी तेज हो गई, और लगातार अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर अब यूपी का नया डीजीपी कौन होगा। तो क्या इस बार भी यूपी को कार्यवाहक डीजीपी मिलेगा, या फिर इस बार देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को स्थायी डीजीपी मिल जाएगा। अब खबर संभल से है।
जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हुए किसान की उपचार के दौरान मौत हो गई। आपको बता दें कि देवापुर गांव के हयात नगर थाना क्षेत्र के इंचोली निवासी 45 वर्षीय युवक की 23 मई मंगलवार की शाम करीब 8 बजे चंदौसी से आ रहे बाइक को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। वही सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने घायल की हालत गंभीर देखते हुए उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया। वही मुरादाबाद के डॉक्टरों से भी तबियत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली के लिए उसे रेफर कर दिया गया। वही मौत की सूचना से अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। बता दें कि सफेद बनियान में दिख रहा एक दारोगा एक युवक की बेल्ट के पट्टे से धड़ाधड़ बेल्ट मारते हुए दिखाई दे रहा है। वही पिटता हुआ युवक अपनी शर्ट के बटन खोल खोल कर दिखा रहा है, तभी हाथ में बेल्ट लिए हुए दारोगा लगातार उस पर बेल्ट बरसाया जा रहा है। बता दें कि पिटने वाला युवक यही नहीं रुका और उसने अपनी पैंट तक उतार दी। पिटने वाले का इतना कसूर है कि उसने भाई से झगड़े के बाद पुलिस से शिकायत की, जो दारोगा को नागवार गुजरा। इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो युवक की पिटाई का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और हैरानी की बात यह है कि बेल्ट से मारने वाला कोई और नहीं जबकि दारोगा है, और यह खाकी को शर्मसार कर देने वाली एक बार फिर से तस्वीरें बदायूं से सामने आई हैं। तो वही बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत पर हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। औरंगाबाद थाना क्षेत्र में पेड़ पर लटका युवक का शव मिला था। वहीं इस मामले में हत्या की आशंका के चलते परिवार के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और औरंगाबाद थाने पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एसओ अखिलेश त्रिपाठी ने लाठियां भांजी। लाठियां लगने से कई महिलाएं चोटिल हुई। वही चोटिल महिलाओं ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आप बीती सुनाई और अब इंसाफ की भी गुहार लगाई है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। खेलपुरा हमारा गांव है, हमने उनसे आके बोला हमारी कोई सुनवाई करो, सुनवाई उन्होंने नहीं करी। हमने रात हम आए थे 8 बजे, हमने उनसे बहुत कहा हमें सुनवाई करो करो, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। अब हमने सुबह कहा तो उन्होंने सुबह कुछ नहीं करा। जब हमने यहाँ पर रोड जाम करना चाहा तो उन्होंने आकर हम पर डंडा फिरना चालू कर दिया। बुलंदशहर में प्रशासन ने डकैत जयकरण उर्फ जयका के दो मकानों को कुर्क किया है। बता दें कि लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देकर जयका ने लाखों रुपए की अवैध संपत्ति बनाई थी और आज डीएम के आदेश पर सीओ शिकारपुर ने गांव जमालपुर में जयका के दोनों मकानों को कुर्क किया है। जयका पर लूट और डकैती के दर्जन भर मुकदमे दर्ज और गांव में मुनादी कराकर जयका के दोनों मकान जब्त किए गए हैं। यह पूरा मामला शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गाँव जमालपुर का है। ये देखिए, थाना शिकारपुर द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। थाना शिकारपुर के ग्राम जमालपुर का रहने वाला एक अभियुक्त जिसका नाम जय कुमार उर्फ जयका है, जिसके विरुद्ध दर्जनों से अधिक मुकदमे हत्या लूट डकैती आदि के दर्ज हैं, उसके द्वारा अपने आपराधिक गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से ग्राम जमालपुर में दो मकान का निर्माण किया गया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 48 लाख रुपये है। आज जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेश के अनुपालन में उक्त दोनों ही मकानों को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सरकार के पक्ष में कुर्क किया जा रहा है। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र का रहने वाला युवक इंदिरापुरम साई मंदिर से लापता हो गया। पिछले 3 दिनों से युवक लापता है, घर वालों का रो रोकर बुरा हाल है। बता दें कि 24 घंटे बीतने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की शिकायत खोड़ा थाने को दर्ज कराई है। वही पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। युवक से आखिरी समय उसकी माँ की बातचीत हुई थी और तबियत को लेकर हालचाल जाना और कहा जल्दी घर पहुंच रहा हो। युवक पेशे से एसी का काम करता है और परिवार को भी इसी का काम करने के लिए घर से निकला था। युवक जब देर रात घर नहीं पहुंचा तो घर वाले परेशान हुए। परसों ये 11 बजे करीब घर से निकला था, कह रहा था मैं इसी की गैस लेने जा रहा हूँ। तो गैस लेने के बाद इसका कोई पता नहीं, फोन भी स्विच ऑफ जाने लगा। कम से कम हमने करा था 2 बजे के बाद फोन करा इसे, इसका फोन स्विच ऑफ जाने लगा। तो फिर हमने कहा हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो, तो हमने काफी बार ट्राई करा, नहीं लगा। फिर शाम को 9 बजे करीब एक लड़के का अनजान फोन, उससे फोन आया कि मैं सनी मंदिर पे, मेरे को वो साईं मंदिर पे मेरे को छोड़ दिया है, पर बीएंदर भाई पहुंच गए या नहीं पहुंचे हैं।
बस इतनी बात हुई है, उसके बाद से कोई पता ही नहीं है कि भाई कहाँ है या कहाँ नहीं है। परसों ग्यारह बजे से परसों। क्या नाम था बेटे का? विजेंदर। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ? कुछ नहीं था। किस चीज का काम करता था? एसी का। तो वहीं संजय नगर रामलीला ग्राउंड आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अपने समरसता कार्यक्रम के तहत गाजियाबाद पहुंचे। वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। दरअसल आरएलडी के समरसता अभियान के तहत 1500 गांव का दौरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि 2024 तक पूरा किया जाएगा, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले जनता तक केंद्र सरकार की नीतियों की कमियों को पहुंचाया जा सके। कुल मिलाकर जयंत चौधरी जो 2024 की तैयारियों में जुटते हुए नजर आए और 2024 के लिए जनता को रिझाते हुए भी नजर आए हैं। वे हमारी बहनें हैं कि नहीं जो पहलवान न्याय मांग रही हैं, उनका साथ मत दीजिए। आप अमृत काल में रह रहे हैं, नए संसद भवन का भव्य भवन का उद्घाटन किया है सर, कितनी बड़ी बात है। यहाँ किसी गाँव में किसी ने क्या मन की बात होती है, क्या किसी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और मांग करी थी कि हमें नए संसद भवन चाहिए? हमने तो नहीं करी थी, किसी एमपी ने नहीं करी थी, किसी विपक्षी दल ने नहीं करी थी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो हजारों करोड़ लगाए जाएंगे, आपको पता नहीं है क्या? एनडीएमसी इलाके में आप, यहाँ तो आप गाजियाबाद के प्राधिकरणों से व्यस्त तंग हो, साफ सफाई नहीं होती, शहर में भी हो और शहर से नहीं हो जी, बिल्कुल। लेकिन आप दिल्ली में एनडीएमसी इलाके में जाके देखिए क्या होता है, क्या होता है? सड़क बनी बनाई होती है, वो तोड़ी जाती है और बनाई जाती है, वही तो सेंट्रल विस्टा है। खूबसूरत इमारतें, पुरानी इमारतें जिनसे इतिहास है, लोगों का जुड़ा हुआ, जिनसे कुछ जुड़ाव हो सकता है लोगों का, बनी बनाई है, उन्हें तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि ग्रेट एम्परर अपनी पीठ थपथपाएं और कहें देखो अब अमृत काल। तो वहीं गाजियाबाद के थाना साहिबाबाद पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ा है जो बाइकों पर घूमकर मोबाइल लूट की वारदातों को अंजाम देता था। जहां पुलिस ने करहेड़ा कट थाना शाहबाद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर राह चलते लोगों से मोबाइल लूटने वाले चार छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए एसीपी साहिबाबाद भास्कर वर्मा द्वारा बताया गया कि गिरफ्तार किए गए लुटेरे छात्र किस्म के अपराधी हैं, जो कि राह चलते लोगों से मोबाइल आदि लूट लिया करते थे और अपने साथ साथियों सावेद और महमूद को बेच दिया करते थे और ये लोग अन्य स्थानों पर जाकर इन मोबाइलों को बेच दिया करते थे। आज दिन में करीब 12 बजे करेड़ा कट के पास से पुलिस को सूचना मिली कि कुछ मोबाइल स्नेचर वहाँ मौजूद हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर चार लोगों को पकड़ा गया, जिनमें साहिल, अकलीम, सावेज और महबूब। साहिल पसौंडा का रहने वाला तथा अन्य तीन जो है सहीद नगर के रहने वाले हैं। ये चारों लोग यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में प्लस दिल्ली और NCR में भी इस तरह की घटनाएँ करते थे, जिसमें साहिल और अकलीम ये लोग मोबाइल को स्नैच करते थे और तथा उसके बाद साबिज और महबूब उसको कलेक्ट करके उसके रेट के हिसाब से जिस तरह का मोबाइल है उनको पैसा देते थे तथा वो मोबाइल पार्ट्स को विभिन्न तरीके से जगह जगह सप्लाई करते थे। खबर कुशीनगर से है, जहां बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि नए संविदा कर्मियों के भरोसे बिजली विभाग चल रहा है और नए संविदा कर्मी काम में आई गड़बड़ी को ठीक तक नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि हाटा तहसील क्षेत्र के नगर और ग्रामीण क्षेत्र में पिछले 52 घंटों से बिजली गुल होने से लोग परेशान हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच बिजली गुल होने से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरी तरह से विद्युत व्यवस्था ध्वस्त है, जिसका मुख्य कारण है कि पूर्व में जितने कर्मचारी संविदा पर थे सबको एक साथ निकाल दिया गया है और नए कर्मचारियों को कोई भदोही से, कोई प्रतापगढ़ से, कोई गोंडा से, कोई बलरामपुर से बुलाया गया है, जिनको कोई जानकारी नहीं है कहाँ फॉल्ट हुआ है, कहाँ तार टूटा है, कहाँ पोल टूटा है। बताइए कि हाटा तहसील के इतने जिम्मेदार अधिकारी होकर के इस तरह का बयान देना, ये जनहित विरोधी बयान है। इस बयान को मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए
और जनता के हित में विद्युत आपूर्ति तत्काल बहाल करना चाहिए। मैं राजनीत कश्यप नगर पंचायत सुगरौली से चेयरमैन हूँ और मेरे साथ बैठे सभी सभासद गण हैं और मेरे साथ आम पब्लिक भी है। हम लोग जिस दिन से शपथ लिए हैं 27/5/2023 से, उस दिन से हमारे नगर पंचायत में विद्युत व्यवस्था समाप्त है और कोई अधिकारी कोई कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम सभी लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं विद्युत हाईडील पर, और जब तक हमारे नगर में विद्युत व्यवस्था बहाल नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे ही धरना पर बैठे रहेंगे। बाहर किए गए हैं वो हड़ताल पर गए थे, उनके लिए शासन प्रशासन ने उनको नौकरी से निकाला, मैंने नहीं निकाला है, मुझे एक लिस्ट दिया गया, मैंने उनको बाहर कर दिया जो हड़ताल पर थे। इसके नाते हमने नए लड़के रखे हैं, यहीं से रखे हैं, ट्रेंड रखे हैं लड़के, कुछ ट्रेंड हैं कुछ अनट्रेंड हैं, सभी लड़के ट्रेंड नहीं होते हैं, तो अब धीरे धीरे सारे लोग काम करके लाइन पर आ जाते हैं। बिजली चलाने के लिए हम लोग पूरी व्यवस्था कर चुके हैं और कर भी रहे, लेकिन जो बर्खास्त कर्मचारी हैं उन्होंने रात में कील गाड़ के लाइन को बाधित किया है, जो कि देशद्रोह का काम है। उन्होंने लाइन रास्ते में पेड़ पे डाल फेंकी है, जो कि देशद्रोह का काम है। बिजली बाधित किया कि लोग परेशान हो, सरकार परेशान हो, सरकार की छवि धूमिल हो, ये सरकार के छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो वही बुलंदशहर में लाठीबाज इंस्पेक्टर ने महिलाओं पर कहर बरपाया है। बता दें कि यहाँ एक युवक की मौत होने से औरंगाबाद थाने पर हंगामा परिजन लगातार करते हुए नजर आए, जिसके चलते इंस्पेक्टर अखिलेश त्रिपाठी ने महिलाओं पर बर्बरता से लाठियां बरसाई। वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके चलते महिलाओं में चीख पुकार तक मच गई। पूरा मामला बताते चले, औरंगाबाद थाना क्षेत्र में पेड़ पर शव लटका मिला था, जहां पर पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां बरसाई है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये खाकी को शर्मसार करने वाला है, क्योंकि जो पुलिस है वो महिलाओं पर लाठियां बरसाती हुई नजर आई। बेहद ही बर्बरता के साथ महिलाओं पर ये लाठियां बरसाई गई हैं। गाजियाबाद कोर्ट में पेशी पर आए कैदी ने भागने की कोशिश की। बता दें कि कैदी तना शातिर था कि ड्यूटी में तैनात सिपाही की आंखों में मिर्ची झोंककर फरार हो गया कि तभी वकीलों ने कैदी को पकड़ लिया और इसके साथ ही उसको जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी जहांगीर दहेज हत्या के मामले में 13 महीने से डासना जेल में बंद है। कैदी को कोर्ट नंबर 1 में पेशी के लिए लाया गया था। आरोपी जहांगीर को टीला मोड़ थाने से गिरफ्तार किया गया था। आज कचहरी में एक अभियुक्त जहांगीर पुत्र अभिरुख, जो कि थाना टीला मोड़ से दहेज हत्या के मुकदमे में जेल में निरुद्ध चल रहा है, पेशी पर आया था। पेशी पर लौटने के दौरान इसके द्वारा जो कांस्टेबल इसको लेके जा रहे थे उनकी आंखों में मिर्च झोंक कर इसके द्वारा भागने का प्रयास किया गया। इसे तत्काल ही पुलिस बल के द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया है। इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। चंदौली में आंधी तूफान से वाईफाई के पोल टूट गए, जिससे कई वकीलों को भी चोटें आई हैं। पूर्व महामंत्री बार एसोसिएशन चकिया जयप्रकाश सिंह मौर्य को भी गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान डॉक्टर ने एमआरआई और सिटी स्कैन की एडवाइस दी है। बता दें कि बीते दिनों आंधी तूफान की वजह से कचहरी में बैठे वकीलों के सर के ऊपर टावर टूटकर गिर गया था, जिसके चलते यह हादसा हो गया है। शाम करीब 5 बजे तेज आंधी और तूफान के कारण एलडीएम कोर्ट के ऊपर छत पर लगा हुआ है टावर, वाईफाई टावर अचानक गिरा और गिरने के पश्चात ही सीमेंट का कराकट ध्वस्त हो गया और उसके नीचे तमाम बैठे अधिवक्ता थे जिनको गंभीर चोटें भी आईं। और उसी अफरा तफरी के दौरान हम लोग भागे, लेकिन भागते हुए मेरे सिर पर भी गंभीर चोटें आई, जिससे मेरा सिर फट गया और तत्काल प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया गया। हमारे अधिवक्ता हाल में करकट लगा है, जो टिन लगा था वो विगत दिनों आंधी आई थी उसी में हीडियम साहब के कैंपस पर लगा था टावर, वो टावर आकर गिर गया, उसमें काफ़ी अधिवक्ता कई चोटिल हुए। और उसी दिन संयोग से हमारे चेयरमैन साहब का शपथ ग्रहण था, कई यहाँ नेता लोग आए थे, मंत्री लोग आए थे, सबको मालूम हुआ, लेकिन यहाँ देखने के लिए अधिवक्ताओं को हाल चल लेने के लिए कोई हमारे जो है कि नेता या कोई मंत्री या कोई भी पदाधिकारी अभी तक आया नहीं। उसी से जो है ये जो है करकट लगा हुआ है, सारा टूट गया और ये एक अधिवक्ता जो है हमारे हैं जयप्रकाश सिंह एडवोकेट, उनके सर में बहुत काफ़ी चोट आया, उनका भी इलाज मान लीजिए चल रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि ये जो है
करकट की जगह जो है आरसीसी का ढलाई हो जाए और ताकि अधिवक्ता सुरक्षित रहे। जनपद उन्नाव में जेष महीने के बड़े मंगल पर जगह जगह भक्तों में प्रसाद बांटा गया। इसी कड़ी में नगर के सिविल लाइन स्थित बाबा जी के मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि नगर में आज जेष मास के बड़े मंगल पर सिविल लाइन स्थित बालाजी मंदिर की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। मंदिर कमेटी की ओर से भक्तों में हलवा पूड़ी और शरबत का प्रसाद बांटा गया और भंडारे के भव्य आयोजन में नगर चेयरमैन प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा, विधायक पंकज गुप्ता समेत तमाम संभ्रांत लोगों ने पहुंचकर बाबा का प्रसाद भी चखा और आशीर्वाद भी लिया है। अब खबर कानपुर से है, जहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया झारखंड में काम करने वाले उदय भान के पास एक फिरौती का वॉइस मैसेज आया है तो वो घबरा गए और पुलिस को सूचना देने के साथ ही फिरौती के लिए 40,000 रुपए मांगे गए। मामले की जांच करते हुए कानपुर के थाना रावतपुर पुलिस और वेस्ट जोन की एसओजी टीम ने पूरे मामले का राज खोल दिया और इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम विजय ढूल ने प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि 28 मई 2023 को कन्नौज निवासी के द्वारा लिखित सूचना दी गई थी कि सूरज भान द्वारा अपहरण कर फिरौती की मांग की जा रही है। इस सूचना पर बरामदगी के लिए कई टीमें लगाई गई थी। उसी अभियान के तहत पश्चिम जोन के सर्विलांस टीम और स्वाट टीम द्वारा सफल अनावरण के साथ ही बरामदगी में पुलिस टीम द्वारा रामपुर रेलवे स्टेशन जनपद रामपुर के पास सूरज भान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज उसने भेजा जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, आप पैसे भेज दीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण और जो उस समय पे उनके द्वारा जो रिपोर्ट किया गया था किडनैप्ड पर्सन के रिकवरी हेतु प्रयास किए गए। इसी प्रयास में कुछ ऐसी बातें संज्ञान में आई जिसमें सर्विलांस के माध्यम से और अन्य इसके दोस्तों से पूछताछ में आया कि इसके पास एक अन्य मोबाइल नंबर है जिसको बारे में घरवाले भी नहीं जानते थे और ऐसी इसकी कुछ आदतों के बारे में पता चला, कुछ संगतों के बारे में पता चला। उन सब चीज़ों पे जब कार्य किया गया तो यह सामने आया कि जो सूरज भान है इसके द्वारा स्वयं ही अपने अपहरण का ये पूरा ड्रामा रचा गया था, क्योंकि इसके द्वारा ऑनलाइन कंपनियों से लोन लिया गया था, इसको चुकाने में ये असमर्थ था और इसके द्वारा ये डरते हुए कि परिवार वाले इस बात को लेकर नाराज ना हो, इसने अपने परिवार से ये बात छुपाई और ये ड्रामा रच के उनसे पैसा लिया और अपना लोन चुकता कर दिया। खबर हरदोई से है, जहां माधवगंज इलाके में घरेलू विवाद में महिला नहर में कूद गई। बचाने के चक्कर में पति भी शारदा नहर में कूद गया और पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार दोनों की तलाश में जुटी हुई है। बेलग्राम थाना क्षेत्र में साड़ू के घर शादी में डांस को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद महिला ने भाई के साथ बाइक से आते वक्त ये कदम उठाए है। नेवादा ग्राम पड़ता है थाना माधवगंज में, वहाँ के रहने वाले मान सिंह करीब 30 वर्ष के और इनकी पत्नी अपने साड़ू के यहाँ शादी में गए थे जो अख्तियारपुर बिलग्राम में पड़ता है। वहाँ शादी समारोह में कुछ इन लोगों का आपस में विवाद हुआ था और वहाँ से ये लौट रहे थे तो माधवगंज पुल है शारदा नहर का, वहाँ पे मोटरसाइकिल कुछ धीमी हुई ऐसा बताया जा रहा है और पत्नी ने उतर के नहर में छलांग लगा दी और बचाने के चक्कर में पति भी नहर में छलांग लगा दिए। दोनों अभी खोजबीन जारी है, अभी मिले नहीं हैं, तलाश की जा रही है। तो खबर हरदोई से है, जहां गोताखोरों की मदद से लगातार जो नहर में पति और पत्नी डूबे थे उनकी तलाश लगातार जारी है। नहर में पत्नी के कूदने के बाद पति ने भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए इस नहर में छलांग लगाई थी, जिसके बाद से ही दोनों लापता बताया जा रहा है। तो वहीं गोताखोरों की टीम लगातार पति पत्नी के जो शव है अब उसको बरामद करने की लगातार प्रयास कर रही है। पति पत्नी को लगातार ढूंढने का जो प्रयास है वो गोताखोरों के साथ ही पुलिस की टीम लगातार करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस